बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी खैरियत से होंगे। टेस्टी रेसिपी बाय ताबी की तरफ से आप सभी के लिए ढेरों दुआएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ मैंने 350 ग्राम माश दाल ली है, जिसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। फुल बॉईल नहीं करना आपने इसे। दो अदद प्याज लिए हैं, एक टमाटर लिया है बड़े साइज का छिलका उतार कर, आधा लीमू लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गर्म मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है हरा धनिया और मिर्चें, और लीमू भी मैं जब चूल्हा बंद करूंगी उस टाइम पे डालूंगी। कढ़ाई में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया और गर्म होते ही इसमें प्याज डाल देंगे और अच्छी तरह इसे भून लेंगे। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होना स्टार्ट होगा हम इसमें बाकी अज़ा शामिल कर देंगे। तमाम अज़ा को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालूंगी और लिड कवर करके इसे पकने दूंगी, ताकि टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें बॉईल की हुई माश की दाल शामिल करूंगी, जिसे मैंने 80% कुक कर लिया था और 20% अब मैं इसे मसाले के साथ पकाऊंगी। मसाले में दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करने के बाद लिड कवर कर दें और दम वाली आँच पर इसे पकने दें, ताकि दाल भी गल जाए और अच्छा सा फ्लेवर दाल के अंदर मिक्स हो जाए मसालों का। पानी डालने के बाद मैंने इसे 15 मिनट दम वाली आंच पर रखा था और इस पॉइंट पर हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसमें लीमू का रस शामिल करके चूल्हा बंद कर दूंगी, हरा धनिया डालूंगी और हरी मिर्चों से गार्निश करूंगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप मसाला बनाते हुए इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।